हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज की रेसिपी मैं बच्चों के लंच बॉक्स और स्नैकिंग के लिए लेकर आई हूँ। इसे आप बेसन चीला पॉकेट्स या बेसन पॉकेट्स का नाम भी दे सकते हैं। ये हार्डली 10 मिनट्स में बन जाती है, बट बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है। आई होप आप सबको अच्छी लगेगी। और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं बनाना आज की रेसिपी। सबसे पहले चीले का बैटर बनाऊंगी मैं। इसके लिए मैंने 1/2 कप बेसन लिया है, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1 पिंच लाल मिर्च ले रही हूँ मैं, 1 पिंच गरम मसाला और 1 पिंच ब्लैक पेपर। क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए मैं ज़्यादा तीखा नहीं बना रही हूँ, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये मैंने 1/2 टीस्पून अजवाइन ली है, इसे मैं क्रश करके डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब बेसन के साथ अजवाइन तो बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स, ये डाइजेशन में हेल्प करती है। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक बैटर बना लूँगी। इसकी कंसिस्टेंसी हमें बहुत थिक नहीं रखनी है। जिस तरह से नॉर्मली हम चीले का बैटर बनाते हैं बस उसी तरीके से इसे मैं बना लूँगी। ये देखिए मैंने इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी रखी है। इसमें मैं 1 पिंच हल्दी भी डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा, और धनिया पत्ती। इसे मैं 10 मिनट्स के लिए साइड पे रख दूंगी, तब तक हम अपनी इसकी फिलिंग रेडी कर लेते हैं। फिलिंग के लिए फ्रेंड्स आज मैं पनीर ले रही हूँ। ये मैंने 150 ग्राम पनीर को ग्रेट कर लिया है। एक छोटा अनियन है, इसे मैंने चॉप कर लिया है, और धनिया पत्ती ली है। 1/2 टीस्पून सॉल्ट डाल रही हूँ मैं, थोड़ी सी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर डाला है मैंने, और ये कसूरी मेथी डाल रही हूँ मैं, इससे इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और 1/2 टीस्पून पाव भाजी मसाला डाला है मैंने, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और फ्लेवर भी पनीर का बिल्कुल एनहेंस हो जाता है। आज मैं पनीर की फिलिंग यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो इसमें कोई भी फिलिंग यूज़ कर सकते हैं, आप वेजिटेबल्स की भी फिलिंग कर सकते हैं या आलू की फिलिंग भी कर सकते हैं, बट मैं बच्चों के लिए कुछ प्रोटीन रिच बनाना चाहती थी इसलिए मैंने इसमें पनीर ऐड किया है। बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने इस तरह के कुछ मोल्ड्स का यूज़ किया है, इन्हें मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया था। ये कुकी कटर का भी काम करते हैं और मोल्ड्स का भी काम करते हैं। इन्हें बच्चों को ये सब शेप्स बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो सबसे पहले मैं फ्लावर शेप का बना रही हूँ। पैन को मैंने लो मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया है और इसे मैं अच्छे से ग्रीस कर लूँगी। इसकी साइड्स को ग्रीस करना ज़रूरी है, नहीं तो ये डीमोल्ड नहीं हो पाता है इजीली। इसकी साइड्स को बहुत अच्छे से ग्रीस करूँगी मैं। और थोड़ा सा ऑयल मैं पैन में भी लगा लूँगी। फ्लेम को लो कर दूँगी मैं और इसमें 1 चम्मच बैटर डालूँगी। बैटर की बहुत थिक लेयर हमें नहीं बनानी है क्योंकि अभी इसके अंदर फिलिंग करके हमने एक और लेयर इसके ऊपर लगानी है, इसलिए एक पतली लेयर मैं बैटर की इसके अंदर फैला दूँगी। और 1 मिनट इसे पकाने के बाद आप देखेंगे कि साइड्स इसके काफ़ी पक गए हैं। बस इसी वक्त मैं इसमें जो हमारी स्टफिंग है उसको रखूंगी। 1 चम्मच मैंने ये स्टफिंग डाली है और इसको चम्मच से अच्छे से फ्लैट कर दूंगी ताकि ये इसके साथ अच्छे से
चिपक जाए। और इसके बाद मैं इसके ऊपर एक और बेसन की लेयर डाल दूंगी, इससे ये स्टफिंग बाहर नहीं आएगी। बस चम्मच से इसे अच्छे से फ्लैट कर दूंगी ताकि इसके साइड्स जो हैं अच्छे से बंद हो जाएं, लॉक हो जाएं और ये स्टफिंग हमारी बाहर नहीं आ पाए। जहाँ थोड़ा बैटर कम लगेगा उसको मैं स्पून से लेके अच्छे से स्टफिंग को कवर कर दूंगी। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल पोर करके इसे एक मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी और उसके बाद ये इजीली डीमोल्ड हो जाएगा जब इसकी साइड्स कुक हो जाएंगी। अब मैं इसे फ्लिप कर दूंगी। ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर आ गया है एक तरफ से हमारा। अब एक मिनट तक मैं इसे लो फ्लेम पर इसी तरह से पकाऊंगी और एक मिनट के बाद इसे फिर से टर्न कर दूंगी। ये देखिए दोनों तरफ से हमारा एक अच्छा सा कलर आ गया है, पर अभी हम इसे लो फ्लेम पर कम से कम 2 या 3 मिनट तक पकाएंगे ताकि अंदर तक बेसन की लेयर जो है वो कुक हो जाए और बेसन कच्चा ना रहे। इसी तरह से मैं अलटते पलटते इसे लो मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी 2-3 मिनट तक और इससे बाहर की लेयर भी थोड़ी क्रिस्प हो जाएगी और अंदर से बेसन पूरी तरह से कुक हो जाएगा। हल्का हल्का इसे प्रेस करूंगी मैं। ये देखिए ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब ऊपर से बिल्कुल क्रिस्प है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। ये एक हमारा बेसन चीला पॉकेट रेडी है। अब मैं दूसरा भी स्टार शेप का बनाऊंगी। ये बच्चों को खाने में अट्रैक्टिव तो लगते ही हैं, साथ ही साथ उनके लिए बहुत हेल्दी भी हैं और उनको टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए अगर आपका मोल्ड जो है इजीली डीमोल्ड नहीं हो तो आप नाइफ यूज़ कर सकते हैं। हल्का सा नाइफ से प्रेशर देने से ये इजीली डीमोल्ड हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से मैं इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पलटते पलटते पकाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने अपने सारे बेसन चीला पॉकेट्स बना लिए हैं। मेरे बच्चों को तो ये बहुत ही टेस्टी लगे। आई होप आप सबको भी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। मैं इसे केचप के साथ सर्व कर रही हूँ, आप चाहें तो इसे पुदीने की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं।